एक ऐसा होनहार बालक जो बचपन से मिलिट्री में जाना चाहता था, लेकिन हाथ में टेढ़ापन होने की वजह से नहीं जा सका। और वही बालक आगे चलकर खान सर के नाम से पूरी दुनिया में फेमस हुआ। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे खान सर के इंस्पायरिंग स्टोरी के बारे में। तो चलिए इस शानदार वीडियो को हम शुरू करते हैं। खान सर का जन्म 1992 में उत्तर प्रदेश देवरिया के भाटपा रानी गांव के एक संयुक्त परिवार में हुआ था। उनके पिता एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं और उनकी माँ एक हाउसवाइफ हैं। इसके अलावा उनके बड़े भाई भी आर्मी में कार्यरत हैं। सभी बच्चों की तरह खान सर भी बचपन में बहुत ही बदमाश थे और अक्सर लड़के के साथ लड़ाई झगड़ा किया करते थे। इसी वजह से उन्हें अपनी माँ से मार और डांट भी पड़ती थी। जब उन्होंने अपने गांव के परम मिशन स्कूल से 8वीं पास किया, तभी उन्होंने फौज में जाने का मन बना लिया था। इसके बाद उन्होंने पॉलिटेक्निक किया, फिर इंटरमीडिएट करने के बाद उन्होंने एनडीए एग्जाम अच्छे नंबर से पास भी किया, लेकिन हाथ में टेढ़ापन होने की वजह से वहाँ उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। इसके बाद उन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीएससी किया, फिर ज्योग्राफी से उन्होंने एमएससी भी किया। चूंकि खान सर एक गरीब मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, इसलिए बचपन में उनके पास पैसों का अभाव रहता था। लेकिन किस्मत की बात ये थी कि उनके तीन अच्छे दोस्त सोनू, पवन और हेमंत अपने पॉकेट मनी से पैसे बचाकर खान सर की मदद किया करते थे और ये सभी दोस्त भी डिफेंस में जाना चाहते थे। एक दिन हेमंत, जो कि पहले से सेल्फ डिपेंडेंट था, उसने खान सर को एक बच्चे के यहाँ होम ट्यूशन लगा दिया और संयोग से वो बच्चा स्कूल में टॉप कर गया। इसके बाद उन्होंने एक कोचिंग को ज्वाइन कर लिया और वहाँ बच्चे को पढ़ाने लगे। शुरुआती दिनों में उनके पास सिर्फ 6 बच्चे थे, लेकिन उनकी टीचिंग स्किल की वजह से धीरे धीरे बच्चे बढ़ने शुरू हो गए। जिस कोचिंग में वे पढ़ाते थे, उन्होंने खान सर को अपना नाम पता और मोबाइल नंबर बताने से मना किया था। और चूंकि खान सर का टाइटल खान था, इसलिए धीरे धीरे लोग उन्हें खान सर के नाम से जानने लगे। इस बीच उन्होंने कई सारे कोचिंग बदले, लेकिन किसी कोचिंग वालों के साथ उनकी नहीं बन पाती थी, क्योंकि वे कम पैसे में बच्चे को ज्यादा से ज्यादा पढ़ाना चाहते थे, लेकिन कोचिंग वाले ऐसा नहीं चाहते थे। फिर उन्होंने पटना का रुख किया और अपना जीएस कोचिंग सेंटर खोला और उन्होंने कोचिंग का सारा जिम्मा वहां के कुछ लोकल पार्टनर्स को दे दिया था, जिसका नतीजा ये निकला 6 महीने के बाद ही उनका सब कुछ हड़प लिया गया। अब उनके पास सिर्फ 40 रुपए बचा था और अपने घर जाने के लिए उन्हें 90 रुपए चाहिए थे, लेकिन होने को कुछ और ही मंजूर था। शायद ईश्वर उन्हें वहीं रोक कर रखना चाहते थे। फिर वे वहीं रहकर फिर से अपनी कोचिंग शुरू की और धीरे धीरे उनकी कोचिंग की पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी। एक दिन उनके कोचिंग पर बम फोड़ दिया गया, फिर उन्होंने वहां से जाने का मन बना लिया, लेकिन उनके छात्रों ने उनका साथ दिया और उनके हौसले को बढ़ाया। इस घटना के बाद खान सर पूरे जोश और लगन के साथ फिर से बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और पूरे पटना में सबसे बड़ी लाइब्रेरी भी खोली। धीरे धीरे कोचिंग के बच्चे के भी अच्छे रिजल्ट आने लगे। इसी बीच कोरोना आ गया और लॉकडाउन की वजह से वे अपने घर चले आए और घर आने के बाद उन्होंने अपने दोस्त की फोटोकॉपी की दुकान से वीडियो बनानी शुरू की, लेकिन उनके वीडियो में शोरगुल होने के कारण लोगों को वो वीडियो पसंद नहीं आई, क्योंकि उनके पढ़ाने के सारे इंस्ट्रूमेंट पटना में थे और वे पटना जाना चाहते थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से पटना जाने का उनके पास कोई भी साधन नहीं था। फिर वे एक ट्रक का क्लीनर बनकर पटना पहुंच गए और अपना सामान ले आए। उसके बाद उन्होंने अपना स्टूडियो सेटअप कर लिया और यूट्यूब पर वीडियो बनाने लगे और उनकी वीडियो लोगों को इतनी पसंद आई कि वे रातों रात वायरल हो गए। तो ये थी हमारे खान सर की कहानी। अभी पिछले दिनों खान सर के नाम को लेकर बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी कि खान सर का असली नाम क्या है। तो एक मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार खान सर का असली नाम फैजल खान है। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी? वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट जरूर कर देना।